फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं पूजा। फटाफट नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी विवाद में पहली सुनवाई आज। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत भी पूजा के लिए करेंगे केस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर स्कूलों और अस्पतालों को दान किए जाने का दिया निर्देश। गोरखपुर जिला मजिस्ट्रेट ने दी जानकारी। दिल्ली NCR में सोमवार सुबह आंधी के साथ हुई तेज बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित। 100 उड़ानें लेट, 19 डायवर्ट, वहीं 2 भी निरस्त। भू प्रबंधन से सैकड़ों यात्री बेहाल। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी संगठन TRF की धमकी भरी चिट्ठी। RSS और केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा वो यात्रा के खिलाफ नहीं, लेकिन तीर्थयात्री तब तक सुरक्षित हैं जब तक कि कश्मीर मुद्दे में नहीं होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गांजा तस्कर के घर दबिश डालने गई पुलिस टीम पर हुआ हमला। महिला कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। घर की छतों से पथराव के बाद मची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र के पहले दिन सपा विधायकों ने विधानसभा में किया हंगामा। सीएम योगी बोले, विपक्ष के सभी मुद्दों पर बहस के लिए हैं तैयार। दांतेवाड़ा सीएम बघेल की जन चौपाल। माँ दंतेश्वरी को चढ़ाएंगे 11,000 मीटर की चुनरी, बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। नाराज आजम खान को मनाने में जुटे अखिलेश यादव, बोले उनके साथ खड़ी है पूरी समाजवादी पार्टी। झारखंड में आदिवासी लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में सीएम सोरेन, नाबालिग हुआ गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लश्कर के 2 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार, बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। थल सेना प्रमुख बनने के बाद मनोज पांडे पहली बार पहुंचे कश्मीर घाटी के भीतरी इलाकों का लिया जायजा, LOC पर भी पहुंचे। ग्वालियर में देश की लग्जरी ट्रेनों में शुमार। शताब्दी एक्सप्रेस में बिना टिकट जा रहे थे बाराती, वसूला 19,000 रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश के बिजली कंपनी के पेंशनरों की बढ़ी नाराजगी, आंदोलन की तैयारी। पेंशन एरियर के समेत भत्ते की मांग। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खाद्य सामग्री बेच रहे वेंडर ने ट्रेन के आगे लगाई छलांग, ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। बिहार के जहानाबाद में शादीशुदा महिला को 18 साल के लड़के से हुआ प्यार, थाने में कहा कि अब रहूंगी नए पति के साथ। ज्ञानवापी पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बयान, कहा यहाँ भी खुदा वहाँ भी खुदा, जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदा। कुतुब मीनार परिसर में नमाज पढ़ने पर लगी रोक, ASI ने मांगा था अनुमति पत्र लेकिन नहीं दे पाए कोई दस्तावेज। चंडीगढ़ में केजरीवाल ने जनता से कहा कि किसानों के लिए स्टेडियम को जेल में बदलना चाहती थी केंद्र सरकार। दिल्ली के हरिनगर में देवनाथ गोलियों की तड़तड़ाहट, बदमाशों ने की कई राउंड की फायरिंग, एक शख्स हुआ घायल। क्रिकेट खेलते खेलते गर्मी लगी तो नहाने चले गए, पटना राजापुर गंगा घाट पर डूबे 6 युवक, 3 की मौत, 1 लापता। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम लेकर आई है जिसमें सरकार किसानों को मुर्रा भैंस खरीदने पर देगी 50% सब्सिडी। सपा नेता आजम खान ने ली विधायक पद की शपथ, विधानसभा सत्र में होंगे शामिल। बरेली में एयरफोर्स के अधिकारी के माँ बाप के साथ हुई मारपीट, पड़ोसी ने दी जान से मारने की धमकी। CBI ने परीक्षा नियम बदला, साल में एक बार होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा, प्रश्न पत्रों में भी हुआ बदलाव। भारत की 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को मिला WHO की ओर से ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। NTPC बाढ़ आवासीय परिसर के सौहार्द भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में रविवार को बालिका सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला 2022 का किया गया उद्घाटन। गौ आधारित कृषि के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के किसान, प्राकृतिक और जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राज्य मंत्री धीरज गुर्जर रविवार को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में इंदौर में विशिष्ट अतिथि के रूप में हुए शामिल। जापान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, आज शाम 4 बजे भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो में 24 मई को क्वाक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कुतुब मीनार परिसर में भी होगी खुदाई, विवादों के बीच इतिहासकारों के साथ ASI टीम का दौरा। 24 घंटों में देश में कोरोना के 2022 मामले आए सामने, एक्टिव केस 14,000 के पार। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब पुलिस एकेडमी में ड्रग्स तस्करी के मामले ने पकड़ा तूल। फिल्लौर में स्थित पुलिस एकेडमी में तस्करी के सिलसिले में महिला ड्रग पेडलर को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल बोले, एक्साइज ड्यूटी कम करने से छत्तीसगढ़ को 500 करोड़ रुपयों से हो रहा है ज्यादा नुकसान, केंद्र सरकार पहले 4% हटाए। बस्तर रवाना होने से पहले CM बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में राजमिस्त्री की हत्या कर कई किलोमीटर तक खींच कर ले गए शव, पैरों से निकाले नाखून, पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के रोहतक जिले में जमीन में गड़ा मिला युवती का शव, 11 दिन पहले दिल्ली से हुआ था अपहरण। युवती की पहचान यूट्यूबर संगीता और दिव्या के रूप में हुई। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।